शुभोदय बच्चों, मैं गौतम इंग्लिश मीडियम की हिंदी टीचर हूँ। मेरा नाम करीमा है। तो अब मैं आपको वर्णमाला सिखाऊंगी, आपको मैं अच्छे से सुनाऊंगी, आप अच्छे से देखिए और ध्यान से सुनिए। प्यारे बच्चों, आप सब लोग पढ़ाई पे मन लगाना है, ज़रूरत है, ठीक है। अच्छे बच्चे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं आप लोग, छोटे छोटे बच्चे हैं आप लोग, है ना। तो अच्छे से ध्यान से सुनिए, ठीक है। हम वर्णमाला सीख लेंगे बच्चों। तो आइए हम आपको सिखाते हैं वर्णमाला। वर्णमाला का मतलब क्या है? वर्णमाला का मतलब अंग्रेजी में, इंग्लिश में हिंदी अल्फाबेट कहते हैं। वर्णमाला को हिंदी अल्फाबेट कहते हैं। हिंदी में वर्णमाला कहते हैं, अंग्रेजी में हिंदी अल्फाबेट कहते हैं। तो वर्णमाला का कैसा पढ़ना है? व र न म म ला, वर्णमाला हिंदी अल्फाबेट्स कहते हैं, ठीक है ना बच्चों, समझ में आ गया। हिंदी वर्णमाला को स्वर कहते हैं। स्वर का मतलब वोवेल्स, तो वोवेल्स, स्वर का मतलब वोवेल्स है। तो इसे आ से लेके आहा तक स्वर वो कहते हैं। क्या कहते हैं? आ से लेके आहा तक, आ से लेके आहा तक स्वर कहते हैं। स्वर को वोवेल्स कहते हैं। तो इसे मैं आपको यंजन, यंजन का मतलब कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स को यंजन कहते हैं। यंजन, यंजन, यम, यंजन, ओके, कॉन्सोनेंट्स। तो अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो इसे खा से लेके आहा तक यंजन कहते हैं, यंजन, ठीक है, यंजन कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। स्वर को आ से लेके आहा तक स्वर कहते हैं, वोवेल्स। तो का से लेके हा तक यंजन कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। संयुक्त, संयुक्त यंजन, यंजन, ओके, संयुक्त यंजन को कंजंक्ट्स कहते हैं, ठीक है। क्ष, त्र, म्या, श्र, अलग अलग अक्षर को कहते हैं संयुक्त यंजन, कंजंक्ट्स कहते हैं। तो इसे पूरा सारा को वर्णमाला कहते हैं। तो इसे पूरे अक्षरों को मिला के ही वर्णमाला बोलते हैं। आ से लेके आहा तक स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? आ से लेके आहा तक स्वर कहते हैं, उसे अंग्रेजी में ओवेल्स कहते हैं। तो हम पहले शुरू करेंगे पढ़ाई पे, ठीक है। मैं आपको सिखाती हूँ ये कैसा पढ़ना है, और अच्छे से ध्यान से सुनिए प्यारे बच्चों, ठीक है। आ, 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 ई, ई, उ, उ, री, ये, आई, ओ, आओ, अम, अहा, कैसा बेबी बनाओ? अ, आ, ई, ई, उ, उ, री, ये, आई, वो, आओ, अम, अहा, अहा बोलते हैं ना ऐसा। तो यंजन में आ जाएंगे कॉन्सोनेंट्स। तो यंजन में क, ख, ग, घ, ञ, 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 ञ कहते हैं। क, ख, ग, घ, ञ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, क, ख, ग, घ, ञ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, द, ध, न, के, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, शे, श, स, ह। इसे य,
व्यंजन कहते हैं कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। तो आप ये समझ में आया है तो फिर से बोलो तो नेक्स्ट व्यंजन में कॉन्सोनेंट्स का से लेके आह तक को व्यंजन कहते हैं। तो क ख ग घ ञ च छ ज झ ञ ट ठ द ड ध न त ठ द ध न प ठ ब भ म य र ल व श शे स ह। फिर से बोलिए य र ल व शे श स ह, इसे कहते हैं व्यंजन कॉन्सोनेंट्स, संयुक्त व्यंजन कंजक्शन कहते हैं। तो इसे अलग 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 अक्षर कहते हैं, अलग अलग अक्षर कहते हैं इसे। संयुक्त मतलब अलग अलग अक्षरों को संयुक्त कहते हैं। व्यंजन का मतलब बोला है ना मैंने, खा से लेके हाँ तक अलग 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 अक्षर रहते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। इसमें अक्षर त्र ज्ञ श्र क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन में कंजक्स कहते हैं और इसे अक्षर त्र ज्ञ श्र कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन में अक्षर त्र ज्ञ श्र। तो आप लोगों को घर पर आप सब लोग बच्चे प्यारे 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 बच्चों आप सब लोग घर पर प्रैक्टिस करना है, लिखना है, पढ़ना है तो आपको ये जरूर आ जाता है। तो आप सब लोग क्लास वर्क में लिख लीजिए CW, हिंदी CW है ना, उस किताब में यहाँ ये हेडिंग लिख के ये वर्णमाला पूरा लिखना है, स्वर लिखना है, यहाँ से लेके आहा तक, आ से लेके आहा तक लिखना है, वहां से व्यंजन कॉन्सोनेंट्स करके हेडिंग रख के ये का से लेके आहा तक लिखना है और ये भी लिखना है CW में क्लास वर्क में। पढ़ते पढ़कर लिखना है, पढ़ते ही लिखना है, ठीक है। क्लास वर्क में CW में लिख लो बच्चों और होमवर्क HW होमवर्क दो बार लिखिए, ठीक है। टू टाइम्स होमवर्क HW होमवर्क टू टाइम्स लिखना है, दो बार लिखे कि ना। अच्छे बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं आप सब लोग, घर पर लिख के प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू, बाय।